I'm your Namaste, Assalamu Alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi, if you're new here, this is me, Swana. Take a moment to subscribe to my channel, become my angels. Hi, angels. I hope you guys are doing fine. आज का वीडियो आप लोग का मोस्ट अवेटेड वीडियो रहेगा क्योंकि जब से मैंने ये घर में शिफ्ट हुई हूँ ना तब से आप लोगों ने यही डिमांड रखी है. आई वॉन्ट रूम टूर वीडियो. रूम टूर वीडियो कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा. फाइनली फाइनली इट इज हियर. तो मेरे रूम के बारे में थोड़ा कुछ बात कर लेते हैं एंड देन मैं आपको दिखाऊंगी. मेरा रूम का कलर है पर्पल. Why purple? Because I am in BTS army. मुझे BTS से इतना obsession था है कि मैंने पूरा purple कर दिया अपना room and BTS आपको हर जगह दिखेंगे मेरे room में और थोड़ा सा मेरा हिस्सा भी दिखेगा यानी कि music and all of that. So I welcome you guys into my room. It's like more like a army's room. चलिए शुरू करते हैं. मैं पहले आपको ना मेरे रूम का बिफोर दिखाना चाहती हूँ. ऐसा था मेरा रूम बिफोर. मैंने उसको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया. जब हम आए थे इसका कलर एकदम गंदा कलर था जो मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट. एक पीकॉक ब्लू और क्रीम था ये वार्डरोब का कलर. बट देन मैंने पेंट कर दिया एंड थोड़ा बहुत अभी निकल भी चुका है सो प्लीज डोंट माइंड दैट. इस रूम में बहुत सारे फ्लॉज भी है एंड मैं वो भी दिखाऊंगी आप लोग को क्योंकि ऐसे नहीं है कि सारे रूम एकदम परफेक्ट रहते हैं. हाँ, हर किसी के रूम में कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही है. तो ये मैंने पेंट किया था अपने हाथों से एंड 3 महीना लगा ऑलमोस्ट इसको पूरा कंप्लीट होने में क्योंकि वार्डरोब बहुत बड़ा है. तो ये पूरा मेरे को पर्पल और व्हाइट थीम में चाहिए था एंड आई पेंटेड इट बिकॉज पेंटर्स ने कहा था कि वो लोग नहीं करके देंगे. सो आई वाज लाइक ऐसे कैसे यार, मेरे को चाहिए ही था. सो आई डिड इट ऑन माई ओन एंड बीच में तो इतना गंदा वाला बुखार भी आया था मुझे, आई रिमेम्बर. बट आई फिनिश्ड इट एंड जब ये फिनिश हो गया ना तब मेरे को इतना खुशी हुआ. दैट वाज अनएक्सप्लेनेबल. ये खोल के तो मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपकी सुहाना कितनी मैसी है एंड सब कुछ एकदम मैसी मैसी रखती है. सो आप बेहोश ना हो इसके लिए मैं नहीं दिखाऊंगी. यू नाइस, कीप गोइंग. तो ये मिरर है जहाँ पे मैं सचती हूँ एंड देन यहाँ पे ये सब मैंने अपने हाथों से ही पेंट किया था. ये सारी चीजें, ये हार्ट वगैरह इतना गंदा गंदा टर्न आउट हुआ है. ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा बट फिर भी मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट ट्राई किया. ओके एंड ये सब ये वाला मैंने पेंट किया था. ये ऐसे जो भी आपको दिख रहे हैं ना ये मैंने पेंट किया था. बाकी ये सब तो मुझे पेंटर ने पेंट करके दिया था. यहाँ पे स्टोरेज है, ये भी मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि यहाँ पे भी बहुत मेसी मेसी चीजें हैं. इसके बाद आता है मेरा साइड टेबल. इसमें मैंने रखा है एक फ्लावर जो कि आज ही रखा है ताकि थोड़ा अच्छा लगे, नॉट गोना लाई. एंड देन ये दो चीजें है यहाँ पे. हर जगह चिमी ही है, चिमी ही है. एक्चुअली जिमिन मेरा बायस नहीं है, मेरा बायस जंकुक है. बट आई लव जिमिन ऑल्सो. मेरे को सारे मेंबर्स पसंद है लेकिन मेरा बायस जंकुक है. तो जंकुक का कुकी का कुछ मुझे कहीं मिलता ही नहीं. चिमी का खरीदा है एंड दिस ऑल्सो यू कैन सी दिस चंकी राइट हियर. ये भी चिमी का है एंड ये कीचेन भी रखा मैंने यहाँ पे. एंड देन यहाँ पे जर्नल है बिकॉज यू गाइज नो हाउ मच आई लव जर्नलिंग. मैं अपनी लाइफ का सब कुछ इसमें लिखती हूँ, मोर लाइक माई बायो ऑटोबायोग्राफी. सो आई डोंट नो, आई लाइक टू राइट स्टफ डाउन. सो दिस इज दैट. इसमें मेरा यूट्यूब का सब कुछ है एज यू कैन सी. प्लान, आइडियाज एंड सोल्स. एक्चुअली इसको गोल्स होना चाहिए था बट उन्होंने एस क्यू लिखा है मुझे नहीं पता. बट इट्स माई इनिशियल सो आई डोंट, इट डजेंट मैटर टू मी. तो ये प्लान, आइडियाज एंड गोल्स, इसमें मैं सब कुछ अपनी यूट्यूब के बारे में लिखती हूँ. तो सोने से पहले आई ऑलवेज मेक श्योर दैट आई राइट माई जर्नल. नॉट एवरी डे बट वेन एवर समथिंग स्पेसिफिक हैपन्स टू मी आई ऑलवेज राइट इट. एंड जो भी मेरे को यूट्यूब, ये तो यूट्यूब का तो रोज लिखती हूँ बिकॉज आई इतने सारे कंटेंट आइडियाज आते हैं मेरे माइंड में एंड वो भूल ना जाओ करके आई ऑलवेज राइट इट. ये जो वॉल पेपर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने चिपकाया था यहाँ पे. ये लोग ने जो दिया था ना वो एकदम साइटेबल एकदम गंदा वाला था एंड आई ट्रांस formed it completely. ये मैंने वॉलपेपर लगाया था. आप लोगों को चाहिए तो Amazon का लिंक मैं डाल दूंगी. यू कैन ऑल्सो ट्रांसफॉर्म योर हाउस लाइक दिस. यू नो एक वॉलपेपर ऐड करने से इतना ज्यादा अच्छा लगने लगता है. अभी आता है बेड. तो ये है मेरा बेड. काफी ऊंचा बेड है क्योंकि इसमें 2 मैट्रेसेस है एनी विच वे. तो ये सारे मेरे बच्चे हैं जिनको मैं पालती हूँ बिकॉज इनको पालने में कोई खर्चा नहीं है एंड ये एक्चुअली आई लव देम ऑल. ये इसका नाम मैंने कुकी रखा है. जिस अ स्मॉल यूनिकॉर्न विच आई बॉट फ्रॉम हैमलीज एंड मेरे को अभी भी ऐसे क्यूट क्यूट सॉफ्ट टॉयज बहुत पसंद है लेकिन इसको मैं कभी भी सोते वक्त साथ में नहीं रखती. द रीजन वाई, बिकॉज इट्स वाइट एंड ये बहुत गंदा हो जाता है. मम्मी मुझे बहुत चिल्लाती है जब मैं इसको यूज करती हूँ. खरीदा है बट हमेशा इसको अलमारी में ही रखते हैं हम लोग. एंड ये मेरा पू है एंड इसके साथ मेरा कनेक्शन बहुत अलग है. ही इज माई स्लीपिंग बडी, माई एवरी थिंग. जब भी कुछ भी होता है मैं इससे बातें करने लग जाती हूँ. मैं इसको अपना बच्चा ही मान लेती हूँ. ही इज माई एवरी थिंग. आई डोंट नो,
मेरे को ऐसा विनी द पू कैरेक्टर से कोई अफेक्शन नहीं था अंटिल दिस टेडी केम इन टू माई हाउस एंड इसको हम लोग ने एक्चुअली गेम जोन से जीता था. हम लोग एक इन्फिनिटी करके मॉल है मुंबई में, वहाँ हम लोग गए थे एंड वहाँ खूब सारे गेम्स खेल के टिकट्स मिलते थे. तो उस टिकट से इसको कुछ आई थिंक 4,000 टिकट्स थे, हमने 4,000 टिकट्स खेल खेल के जीते एंड देन इसको अचीव किया था हमने. तो हमें बहुत अच्छा लगा एंड ही इज रियली क्लोज टू माई हार्ट. एंड दिस इज अ डॉल अगैन जो सलमान ने मुझे दिया था ऑन वैलेंटाइंस डे. सलमान इज माई ब्रदर, ही इज नॉट माई बॉयफ्रेंड, बट स्टिल हम लोग वैलेंटाइंस डे को यू नो एज ए नहीं कि वैलेंटाइंस डे सिर्फ लवर्स के बीच में मनाया जाता है. मम्मी का कॉन्सेप्ट है, वो उन्होंने हमें ही सिखाया था. जो भी जिससे भी प्यार करते हैं ना उनको कुछ चीजें देना चाहिए. तो एक बार हमने क्या किया, हम तीनों ने एक दूसरे को गिफ्ट किया था. हमने एक चिट बनाया था, तीनों का नाम था एंड जिसका नाम आया उसको दूसरे को गिफ्ट देना था. सलमान को मेरा नाम आया था सो ही गिफ्टेड मी दिस मिनी माउस इज समथिंग अगेन विच वी वॉन्ट बिकॉज ऑफ अ गेम एंड ये भी बहुत क्यूट है. एंड बस अगले टाइम जाके मिक्की माउस को लेके आना है ताकि अकेली ना पड़ जाए. तो ये सब मैंने लगाए थे, ये सब मैंने अपने हाथों से पेंट किया है. ये फर्स्ट वाला जिसमें लिखा है सबर, तो आई रियली बिलीव इन सबर. अगर आप हार्डवर्क करो, अगर आप पेशेंट रहो तो जरूर आपको सब कुछ मिलेगा. तो सबर रखिए, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू जस्ट हैव पेशेंस एंड एवरीथिंग विल गेट नॉर्मल, इट विल गेट बेटर, डोंट वरी, हैव सबर एंड बिलीव इन गॉड. एंड द सेकेंड थिंग इज आई विल शो यू एंड दिस इज अ लाइन विच इज in this song called Magic Shop जो कि BTS का song है and that song is really close to my heart and उसमें एक line था I'll show you जो कि मुझे बहुत motivate करता है. जहाँ पे BTS army से बोलते हैं so show me and सारे armies चिल्ला के बोलते हैं I'll show you. हम लोग ऐसे प्रोमिस करते हैं देन हम लोग अपना ड्रीम अचीव कर लेंगे एंड उनको दिखाएंगे अचीव करके. सो दैट इज समथिंग विच रियली मोटिवेट्स मी दैट लाइन. एंड ये वाला थर्ड आर्ट पीस जो मैंने बनाया है इसमें आपको एक वेल नजर आएगी और ये भी एक्चुअली BTS का एक गाना था, एक एनिमेटेड गाना जीरो ओ क्लॉक करके. उसमें एक आर्मी थी और सारे BTS मेंबर्स उसको कंसोल कर रहे थे. तो वो गाना मेरे लिए बहुत स्पेशल है. उस गाने का एक सीन था ये जिसमें ये पर्पल वेल जो है ऐसे मून में ऐसे वो जंप करिए या कुछ तो है एंड दैट वॉज सो ब्यूटिफुल इन द पिक्चर. आई वॉन्टेड टू रिक्रिएट दैट लेकिन इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ. जब लोगों को पता नहीं हो ना कि रेफरेंस पिक्चर क्या है तब तक दे लाइक, लेकिन अगर रेफरेंस पिक्चर देख लिया ना तो अरे यार ये तो कितना गंदा बनाया है. तो फिर हाँ, तो ये मेरा बेड हो चुका है, अभी हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं. तो हमने ये वार्डरोब देख लिया, बेड भी देख लिया, अभी हम लोग आ जाते हैं ये वॉल पे. ये वॉल पे थोड़ा मैंने क्रिएटिविटी किया है तो आई वांटेड टू शो यू गाइस. इसमें पूरा पर्पल पिक्चर्स लगे हुए हैं, पर्पल एस्थेटिक जो कि मैंने पिंटरेस्ट से लिया था. यहाँ पे सारे BTS मेंबर्स खड़े हैं एंड ये आई पर्पल यू बुरा है एंड पर्पल का मीनिंग भी लिखा हुआ है यहाँ पे एंड मून, आई लव मून. तो मुझे मून पर्पल में जब दिखा हो जाए कि यार पर्पल और मून दीज आर बोथ माई फेवरेट, सो आई वॉन्टेड इट टू बी इन माई वॉल हियर. ये आई गेस लैवेंडर प्लांट है जो कि मेरे को बहुत पसंद है. ये वाला कोट द बेस्ट इज येट टू कम, ये उनका गाना भी है BTS का एंड दिस इज रियली so motivating, best is yet to come I believe. And ये purple heart वगैरह वगैरह, so this is all about that, इसमें पूरा purple है. And ये वाला, ये चीज़ जो है यहाँ पे उसको मैंने heart shape में किया था and ये क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. ये actually एक cable wire है ताकि हम TV attach कर सके wall पे, उसके लिए ये wire दिया गया था which was so unnecessary in my room क्योंकि I didn't need a TV. तो मैंने क्या किया, इसको पेंट कर दिया इनटू लैवेंडर. अभी तो फिलहाल इसका कलर बहुत उड़ गया है बट हाँ, मैंने जब पेंट किया तो बहुत अच्छा लग रहा था. एंड आई मतलब एक मैंने एक हार्ट शेप बना दिया और उसको चिपका दिया यहाँ पे एंड सारे BTS के कीचेंस मैंने अभी लगाए बिकॉज मेरे पास ये सारे कीचेंस थे. सो आई वॉन्टेड टू शो यू गाइज, ये मैंग, ये कुकी, ये टाटा एंड ये RJ एंड ये BTS का कीचेन है. शुकी मिसिंग है, चिमी मिसिंग है, तो कुछ लोग है इसमें मिसिंग, खरीदेंगे इन द फ्यूचर एंड आई विल ऐड इट इनटू माय कीचेन का कलेक्शन. एंड देन हम लोग आगे बढ़ते हैं. ये एक वॉल AC है यहाँ पे तो ये इतना फैसिनेटिंग नहीं है देखने के लिए, तो मैं हमेशा इसको छुपाती हूँ अपनी वीडियोस में. इट इज नॉट दैट नाइस, एस्थेटिक नहीं है. अभी आ जाता है अनदर कॉर्नर ऑफ माई रूम. यहाँ पे ग्लास के स्टैंड लगाए हैं हमने, लाइक दिस इज
लाइक अ नाइस डेकोरेटिव एरिया. मैंने इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है. मैंने यहाँ पे डोनट की वेस लगाए है बिकॉज ये बहुत ट्रेंड कर रहा था एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा. इट वॉज लुकिंग सो एस्थेटिक. मेरे पिंटरेस्ट पे भी इसका मतलब बहुत सारे फोटोज आ रहे थे, ज्यादा जाए कि ये लगाना चाहिए, तो मैंने ये खरीदा अमेजोन से. एंड ये सेकेंड रो में मेरे सारे BTS मेंबर्स है, किम नाम जून, किम सब जिन, मिन योगी, जन हो सक, पाक जी विन, किम तायोंग, जॉन जॉन्ग कुक. एंड पीछे जॉन्ग कुक का बड़ा वाला है बिकॉज जॉन्गकुक इज माई बायस. आई लव हिम टू द कोर. आई लव एवरी वन, ऐसा नहीं है, बट हाँ बायस मेरा जॉन्गकुक है. जब मैंने उसको पहली बार देखा वैसा यही है जो बहुत मेरे को पसंद आने वाला है. एंड ये मेरा एक स्नोबॉल है जो कि मुझे मेरे बर्थडे पे पापा के दोस्त ने गिफ्ट किया था. एंड इट इज सो मी, लुक एट दैट, क्योंकि आई वैल्यू माई ड्रीम्स अलॉट. आई एम अ ड्रीमर एंड मैं हमेशा सपने देखती रहती हूँ. एंड जब ये स्नोबॉल मिला आई कुड रिलेट टू इट सो मच. एंड इसमें एक यूनिकॉर्न है एंड इट्स मी. एंड यू नो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ही हूँ ये जो है. एंड मैं अपने सपनों के मतलब मेरे को तो सच करना ही है मेरे सपने. बहुत ऐसा स्टबर्न हूँ. ये एक्चुअली मुझे अच्छे से पोर्ट्रे कर रहा है. एंड ये लैवेंडर भी है मेरे रूम से इतना ज्यादा मैच कर रहा है, ये जो पिंक एंड ऑल है. तो मैंने सोचा कि यार. एंड यहाँ पे मेरा इनिशियल है. मेरा इनिशियल है तो रहना ही चाहिए. मेरे को पसंद है मेरा इनिशियल है. यहाँ पे मेरा नाम कहीं हो तो मेरे को पसंद है. तो हाँ एस मैंने वहाँ पे लगाया है. एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ का जो ग्लास था वो टूट गया है. एंड पता नहीं कैसे हम लोग एक बार बाहर गए थे, आए तो ऐसे टूटा हुआ नजर आ रहा था. वजह कि यार ये कैसे हो गया. बहुत सैड हो गई मैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी क्या कर सकती है. एक्चुअली BTS के सारे मेंबर्स यहाँ पे थे एंड देन उनको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया. एंड यहाँ पे नीचे वाले रो में आपको मेरे बुक्स मिलेंगे जो कि मैं पढ़ रही हूँ. आज सुबह ही मैंने ये वाला पढ़ा था, द सीक्रेट. आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स एंड आई एम इनटू बुक्स अलॉट नाउ. मेरे को बहुत पसंद है बुक्स पढ़ना क्योंकि इतनी सारी नॉलेज आपको मिलती है. सो आई रियली लाइक इट. एंड ये सारी बुक्स मैंने पढ़ी हुई है, इट एंड्स विद अस, इट स्टार्ट्स विद अस. एंड अभी मैं अगली लव में हूँ कॉलिन होवर के. सो मैंने मेनली तो सब कॉलिन हूवर का ही पढ़ा है. एंड ये कैलेंडर है एक्चुअली. यहाँ पे हमारे सारे फैमिली मेंबर्स के फोटोज लगे हुए हैं. हर एक मंथ में हर किसी का फोटो है. सो दीज आर माई ग्रैंड पेरेंट्स, तो उनका फोटो है. एंड ये जून का महीना चल रहा है तो जून पे हूँ मैं अभी. यहाँ पे ये एक्चुअली आइनिंग करने के लिए है ये, तो ये यहाँ पे रहता है. एंड रिंग लाइट्स ऑब्वियसली मेरे पास दो रिंग लाइट है, एक छोटू वाला और एक बड़ा वाला, तो दोनों मेरे रूम में रहती है. ऑब्वियसली यूट्यूबर के घर में तो रिंग लाइट्स तो होना ही है. एंड यहाँ पे आते हैं, ये कर्टन्स है जो कि मैंने लगाए. इसमें क्या बताने का है अभी. एंड यहाँ पे एक सोफा है जहाँ पे इसके हालात पे मत जाना कि हाँ यहाँ पे मैं बैठती हूँ. यही पे मैं जर्नल एंड सारे प्लान्स वगैरह यूट्यूब के मैं लिखती हूँ. यहाँ पे भी एक और साइड टेबल है, ये खाली है. ऐसे नहीं कि खाली ही रहता है हमेशा, इसमें बहुत सारी चीजें होती है. मेरे रूम में हर जगह हर चीज होती रहती है. आज मैंने अच्छे से आपको दिखाने से पहले इतने अच्छे से मैंने सब कुछ सेट किया है ना, तो बिकॉज ऑफ दैट इट्स लुकिंग सो नीट. अदरवाइज इट इज इन दैट मच. जो मेरे ब्लॉग व्यूअर्स है उनको पता होगा, बट एनी विच वेज आई लाइक माई सेल्फ मेसी. ओके. एंड यहाँ पे भी मैंने वो वॉल पेपर लगाया जो मैंने आपको बताया. ये वॉल पेपर ये जहाँ भी आपको दिख रहा है ये वॉल पेपर मैंने अमेजोन से खरीदा था एंड मैंने लगाया. इस पर कितना गंदा वाला पहले क्रीम कलर था जो मेरे को नहीं पसंद है. क्रीम कलर हालांकि अच्छा है, बट आई वॉन्टेड माई हाउस टू बी प्योर वाइट. मेरे आई मीन आई वॉन्टेड माई रूम टू बी प्योर वाइट एंड लैवेंडर. तो यस, तो मैंने ये वॉलपेपर लगाया एंड ये पूरा साइड टेबल में मैंने पेंट किया है. एंड ये आता है मेरा गिटार. मेरे को अभी तक चलाना नहीं आता है गिटार को. आई मीन सीखा नहीं है मैंने कैसे बजाते हैं, बट सीखूंगी इन द फ्यूचर बिकॉज म्यूजिक इज रियली क्लोज टू माई हार्ट. इफ यू गाइज नो आई लव म्यूजिक टू द कोर. तो इसके लिए गिटार मैंने खरीदा था. मेरे 16th बर्थडे पे मैंने गिटार लिया था. मैं पापा ने मेरे को दिया था गिटार और मैं 16th बर्थडे ऑन माय डिमांड. लेकिन मैंने कभी सीखा नहीं. आई वांट टू लर्न इन द फ्यूचर व्हेन आई हैव टाइम बिकॉज माय मेजर इज म्यूजिक ओनली इन द फ्यूचर. भले ही मैं अभी कॉमर्स कर रही हूँ बट आई रियली वांट टू ट्राई म्यूजिक फील्ड. दैट इज वन ऑफ माय ड्रीम. तो हाँ गिटार है, मुझे गाना गाना भी बहुत पसंद है. सो दिस वॉज माई रूम. आई होप यू गाइज लाइक इट. अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू माई चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. आई एम रियली एक्टिव देयर. अगेन एक और चीज कहनी है आपसे, मैं एक Q&A वीडियो बनाने वाली हूँ अपने चैनल के लिए. वेयर आई विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस अबाउट मी. सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस अबाउट मी, ड्रॉप देम राइट नाउ इन द कमेंट्स. मैं अभी देखूंगी. तो यस, दैट्स इट. इफ यू लाइक दिस वीडियो यू नो व्हाट टू डू. जो आया खुद का जिससे अलिम चल जाओ. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. प्रिटी प्रिटी सून. टिल देन दिस इज मी सुहाना साइनिंग ऑफ.